कोई भी ना कर सकते यहाँ पर है किसके अंदर ना उसको बंद करा रखा तो बंद करा के बताओ। मेरे पिछवाड़े में इतना दम है कि मैं नाम के साथ बता सकता हूँ कि ये बेच रहा है और इधर बैठ के बेचता है। घर में पानी आता तुम शांति से लेते क्या? शांति से बात करो। घर में पानी आता तुम शांति से लेते क्या? 14 दिन का बच्चा है मेरा, 14 दिन का बच्चे को अगर कुछ होता ना, हंस रहे बोल रहे, हंस रहे यहाँ पर। मैं सलामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबरा में जल विभाग की सबसे बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पानी की पाइप वाल तोड़कर पानी सड़क पर आ गया, जिसकी वजह से नारायण नगर के रहने वालों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। लोगों के घरों में पानी जा घुसा, जिसकी वजह से फ्रिज, टीवी, बेड सभी चीज़ों का नुकसान हो गया। बताया जा रहा है कि पिछले 2-3 दिनों से नारायण नगर में पानी नहीं आ रहा था, जिसके लिए पानी की पाइपलाइन का मरम्मत कार्य चल रहा था। रविवार का दिन होने की वजह से इंजीनियर, जिनका नाम वागुले बताया जा रहा है, वो छुट्टी पर थे। सिर्फ ठेकेदार ही वर्कर्स को लेकर काम कर रहा था, मगर तभी करीब 2 बजे 12 इंच की पाइपलाइन का वाल टूट गया और सड़कों पर सैलाब आ गया। ये पानी नारायण नगर के स्टार अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर, मोहम्मद राशिद के घर सहित और भी 2 लोगों के घरों में जा घुसा। इस दौरान मोहम्मद राशिद का 14 दिन का बच्चा, जिसे इन्फेक्शन की शिकायत है, वो बच्चा भी इस पानी के तेज बहाव की चपेट में आ जाता, मगर तभी वक्त रहते राशिद की नींद खुल गई और अपने बच्चे को गोद में लेकर भागे। मोहम्मद राशिद ने इस घटना के बारे में क्या बताया, किस तरह से जल विभाग की लापरवाही सामने आई है, हम आपको सुनाते हैं। मैं दोपहर में 1 बजे के टाइम पे आगे मैं घर में सोया हुआ था, मेरी वाइफ गई थी हॉस्पिटल में, तो मेरे बच्चे 2 इधर घर में सोए हुए थे। अचानक मैं आँख खुली मेरी, पूरा घर में पानी बाहर से पाइप फट के आया था, कहाँ से आया था कुछ समझ में नहीं आया। इतना पानी घर में भर गया था कि मतलब पूरा पलंग तक पानी आने वाला था। अगर 2 मिनट पहले अगर मेरी आँख नहीं खुलती तो मेरा 14 दिन का बच्चा है जो मतलब कुछ भी हादसे का शिकार हो सकता था, या तो पानी में डूब जाता या तो कुछ भी हो सकता था। लेकिन मैं उठा, फट से उठ के फ़ौरन मैं उठो लेके घर से बाहर भागा, पूरे घर के बाहर भाग के मैंने बाहर लादी वगैरह तोड़ा, गटर की पानी पूरा बहाने का रास्ता बनाया, पूरा पानी घर में घुस के आज पूरे मेरे सामान, सोफे से लेके मेरी फ्रिज से लेके सब कुछ पूरा ख़राब हो गया। मेरा सिस्टम था नया पूरा ख़राब हो गया। अब मैं इसकी कंप्लेंट लेके मैं भागा म्यूनसिपलिटी ऑफिस में, बाजू में यही पानी का बाजू में ऑफिस है, वहाँ मैं भागा तो वहाँ पर जाने के बाद मालूम पड़ा कि वहाँ पर सिर्फ वॉचमैन बैठा है, कोई नहीं बैठा है। फिर मैं रिटर्न आके कोई भी नहीं मौजूद था, 4-5 लोग वहाँ पर काम कर रहे थे। मैंने उनको फ़ौरन काम रुकाया, मैंने बोला पहले कॉन्ट्रैक्टर कौन है वो बताओ, ये पानी आया कहाँ से? पानी नहीं आया, पूरा पानी के साथ में पूरा जितने गली के मिट्टी कीचड़ था पूरा घर में पूरा भर गया। क्या क्या हुआ? मैं घर में अभी मेरा सिस्टम है, मेरे सोफ़ा है, पलंग है अंदर, फ्रिज खराब हो गई, फ्रिज नहीं चालू हो रही, अभी वॉशिंग मशीन खराब हो गई है, मतलब इतना नुकसान हो गया कि समझ जाओ 1 लाख रुपए तक नुकसान पहुंच चुका है। वहीं राशिद के साथ वार्ड नंबर 30 के नगर सेवक जफर नुमानी के साथ कहा सुनी हुई। दरअसल जफर नुमानी ने पत्रकार से कहा कि क्या न्यूज कवर कर रहे हो, मुंबरा में नशे के खिलाफ और आंदोलन को कवर करो। इतनी बात सुनते ही मोहम्मद राशिद और जफर नुमानी में कहा सुनी हो गई। लोग वहाँ पर जो मौजूद थे, 2-3 नगर सेवक आए थे, एनसीबी के नगर सेवक थे, तो जफर नुमानी और राजन की ने ये सब 2-3 नगर सेवक आए थे वहाँ पर। तो लोग मौके वारदात पे आने के बाद तो मतलब लोग जनता के लिए तुम आए हो, मतलब आके ये पूछना चाहिए था कि भाई तुम्हारा नुकसान हुआ है, क्या नुकसान हुआ। वो लोग आपस में हंसी मजाक कर रहे थे और हंसी मजाक के दौरान वो लोग ने हंसी मजाक ऐसी कर रहे थे कि मतलब उसको बंदे को बोल रहे थे सामने को, जो वीडियो शूटिंग वहाँ पर लोग कर रहे थे, न्यूज़ रिपोर्टर लोग, उन लोगों को बोल रहे थे कि ये सब न्यूज़ क्या ले रहे हो आप, ये तो रोज के हादसे वाली न्यूज़ है, जाके आंदोलन वाली न्यूज़ लो, हम लोग जो आंदोलन करते वो न्यूज़ लो, ये सब न्यूज़ क्या चला रहे हो आप लोग करके, वो सब न्यूज़ की लोग की बात कर रहे थे और आपस में हंस रहे थे, आपस में हंसी मजाक करके वो लोग वही मस्ती कर रहे थे। हालांकि जफर नुमानी ने कहा कि मेरा इरादा किसी का दिल दुखाना नहीं था, मैंने बस यूं पत्रकार से हंसी मजाक में कहा। फिलहाल जल विभाग की इस पूरी घटना में लापरवाही सामने आ रही है, जहां एक तरफ मुंबरा में पानी की किल्लत है तो वहीं दूसरी तरफ हजारों लीटर पानी यूं ही सड़कों पर बर्बाद हो रहा है, जो जल विभाग की सबसे बड़ी लापरवाही मानी जा रही है। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।